hello students welcome to my youtube channel maths Kadda by sakshi chauhan i hope you guys are doing well and enjoying this session then press the like button share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new videos so let's start the video सो टूडेल डिस्कस सिक्स पॉइंट थ्री एक्सरसाइज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर एलेवन ऑनवर्ड सो क्वेश्चन नंबर इलेवन सी इज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट्स टू द कर वाई इज इक्वस टू वन अपन एक्स माइनस थ्री वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री तो आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन्स फाइंड आउट करनी है जहाँ पर स्लोप आपको गिवन है टू और वाई की वैल्यू आपको गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालने के लिए आपको चाहिए क्या होता है स्टूडेंट्स क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वस टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है y माइनस वाई वन इज़ इक्वस टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस एक्स वन तो आपको सबसे पहले क्या वैल्यू निकालनी है x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि स्लोप तो आपको गिवन है ठीक है सो लेट सपोज p x1 y1 वाई वन बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई आपको गिवन है डिफ्रेंशिएट करोगे आप y को विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर ओके एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू एक्स के प्लेस पे आप क्या रख दोगे एक्स वन तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस थ्री होल स्क्वायर एट पॉइंट एक्स वन वाई वन ये आपको मिल चुका है और डी वाई बाई डी एक्स मतलब आपको स्लोप की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल टू टू अब डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल भी है और डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल भी है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो ठीक है तो जब आपने इन दोनों को इक्वेट करा तो माइनस वन अपॉइंट एक्स वन माइनस थ्री होल इज टू टू यहाँ से क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स ठीक है विच इज टू एक्स वन स्क्वायेयर प्लस ट्वेल्व एक्स वन माइनस नाइनटीन इज इक्वस टू जीरो ठीक है अब हम इसको स्प्लिटिंग द मेथड स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे ये होगा ही नहीं नाइनटीन टू जो थर्टी एट और थर्टी एट को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे ट्वेल्व आना चाहिए तो हम क्या निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन रूल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रूल अप्लाई करा विच इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है ट्वेल्व ए की वैल्यू है यहाँ पे टू और सी की वैल्यू है माइनस नाइन्टीन तो यहाँ पे पुट करा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मुझे क्या मिला यहाँ पे माइनस एट अब माइनस एट इज़ लेस देन ज़ीरो जब भी डी लेस देन जीरो हो जाता है दैट मीन्स क्या होंगे इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स होंगे एक्स वन वाई वन वो क्या होंगे इमेजनरी जब पॉइंट्स इमेजनरी होंगे तो लाइन्स तो बनी ही नहीं सकती है सो नो लाइन कैन बी ड्रॉन दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच इज फाइंड द इक्वेश ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप जीरो विच आर टेंजिंग टू द कर्व वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व है वो तीनों क्या है एक जैसे हैं क्वेश्चन नंबर टेन हमने किया था वहाँ से क्या करा था इक्वेशन ऑफ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन्स आपको फाइंड आउट करनी है तो स्लोप आपको गिवन था वाई की वैल्यू गिवन थी तो आपने क्या डिफरेंशिएट करा था वाई को डिफ्रेंशिएट करा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई थी वो एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आपने फो फंक्शन में पुट करी थी तो वाई वन की वैल्यू आ गई थी पॉइंट्स आ गए आ थे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है वाई माइनस वाई वन इज टू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन तो वो फाइंड आउट हो गई थी अभी क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमने पढ़ा था कि रूट्स क्या आ गए इमेजनरी आ गए दैट मीन्स नो लाइन विल बी ड्रॉन ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ट्वेल्ल में करना है ट्वेल्व में आपको गिवन है स्लोप गिवन है और वाई की वैल्यू गिवन है डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको इक्वेट करोगे इक्वल टू जीरो वहाँ से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी एक्स वन की वैल्यू को आप सब्सिट्यूट करोगे वाई में तो वहाँ से वाई वन की वैल्यू आ जाएगी एक्स वन वाई वन अगर आपको पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन्स आप ईजिली निकाल सकते हो विच इज वाई वाई माइनस वाई वन इज इक्वस टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज योर होमवर्क नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायेर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू वन एट विच द टेंट्स आर फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू यू पैरल टू द एक्स एक्सेस ओके सो आपको इक्वेशन गिवन है कर्व की और फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है पैरल टू द एक्सेक्स तो आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं अब पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं सबसे पहले हम सपोज ये कर लेते हैं पॉइंट्स क्या होंगे एक्स वन वाई वन ठीक है लेट एक्स वन वाई वन बी द पॉइंट ऑन द कर्व सो देखो इक्वेशन आपको गिवन है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन पे एक्स वन के प्लेस पे एक्स वन पुट कर दोगे और वाई वन के प्लेस पे वाई के प्लेस पे वाई वन पुट कर दोगे ओके सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स अपॉन नाइन प्लस टू वाई यहाँ पे जाएगा टू वाई अपॉन सिक्सटीन वाई का दोबारा करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से टू कॉमन लेके वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो तो एक्स बाय नाइन प्लस वाई अपॉन सिक्सटीन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व तो टू जीरो सो so, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स माइनस एक्स अपॉन नाइन डिवाइड बाई वाई अपॉन सिक्सटीन ये सिक्सटीन कहाँ चला जाएगा इसके साथ और ये वाई चला जाएगा नाइन के साथ तो आपको मिल जाएगा माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन वाई ठीक है अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट पॉइंट एक्स वन वाई वन क्यों एक्स वन के एक्स so, के प्लेस पे एक्स वन पुट कर दोगे वाई के प्लेस पे वाई वन पुट कर दोगे सो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है माइनस सिक्सटीन एक्स वन अपॉन नाइन वाई वन ठीक है फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है पैरल टू द एक्सेक्सेज इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था अगर पैरल टू द एक्सेक्सेज है देखो ये है एक्सेक्सेज कोई लाइन पैरल टू द एक्सेक्सेज है दैट मीन्स ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू सी अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स किया जाएगा जीरो दैट मीन्स आपको गिवन है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो सो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल भी है और डी वाई बाई डी एक्स जीरो के इक्वल भी है तो दोनों को इक्वेट कर दो वी गेट माइनस सिक्सटीन एक्स वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स वन की वैल्यू क्या जाएगी जीरो अब x1 की वैल्यू अगर जीरो आ चुकी है तो आपके पास इक्वेशन क्या है जो फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है एक्स वन स्क्वायर अपॉइट नाइन प्लस वाई वन स्क्वायर सिक्सटीन इज इक्वल टू वन सो so, हमने पॉइंट रखे थे एक्स वन वाई वन तो इक्वेशन क्या हो गई है एक्स वन अपॉन नाइन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इज इक्व टू वन तो एक्स वन की वैल्यू क्या है जीरो 0. जीरो so, 0 का स्क्वायर क्या जाएगा जीरो जीरो अपॉन नाइन इज जीरो तो यहाँ से वाई वन की वैल्यू क्या जाएगी स्टूडेंट्स प्लस माइनस फोर आपको क्या निकालना है पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो पॉइंट्स हमने क्या सपोज किए थे एक्स वन वाई वन एक्स वन की वैल्यू क्या है जीरो और वाई वन की वैल्यू क्या है प्लस माइनस फोर दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स सो द सेकेंड पार्ट इज़ पैरल टू द वाई एक्सिस अब पैरल टू द वाई एक्सिस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स ये हमने पहले पढ़ चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन कैसे आए एक बार दोबारा देख लेते हैं ये क्या एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस ठीक है अब वाई एक्सिस के पैरल कोई लाइन है दैट मीन्स ये किसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वस टू सी की आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो अब आपको निकालनी है डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू तो इसको रेसीप्रोकल कर दो इसका तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ क्या है जीरो के नीचे वन तो वन अपॉन जीरो विच इज़ नॉट डिफाइंड फॉर्म और डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल चुके हो विच इज माइनस सिक्सटीन एक्स वन अपॉइन्ट नाइन वाई वन ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉइन्ट जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा नाइन वाई वन इज इक्वल टू जीरो वाई वन की वैल्यू क्या जाएगी जीरो अब वाई वन की वैल्यू आ चुकी है तो एक्स वन की वैल्यू आप निकाल सकते हो इक्वेशन नंबर टू में पुट करके इक्वेशन नंबर टू क्या एक्स वन स्क्यर अपॉइन्ट नाइन प्लस वाई वन स्क्वर अपॉइन सिक्सटीन इज इक्वल टू वन तो ये वाले टर्म क्या क्यों जीरो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस थ्री पॉइंट्स क्या थे आपके पास एक्स वन वाई वन जो कि हमने सपोज किए थे एक्स वन क्या है प्लस माइनस थ्री और वाई क्या है जीरो वाई वन है हमारा जीरो सो दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू यू वाई इज इक्वल पार फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स टेन एक्स प्लस फाइव एट जीरो ठीक है तो ये एट जब भी गिवन है आपके पास एट जीरो कॉमा फाइव दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू गिवन है आपके पास एक्स वन कामा वाई वन की ठीक है अब जब हम लेट सपोज करते थे कि पॉइंट्स क्या होंगे एक्स वन वाई वन फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे तो हम पॉइंट्स पे भी उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते थे रिप्लेस करते थे एक्स को एक्स वन से और वाई को रिप्लेस करते थे वाई वन से ठीक है सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ पावर आगे आ जाएगी एक सप्ट्रैक्ट हो जाएगी फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स थ्री ज़ार एटीन एक्स स्क्वायर थर्टीन टू ज़र ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस टेन फाइव का क्या हो जाएगा जीरो ठीक है अब एट पॉइंट निकालेंगे अब यहाँ पे एट पॉइंट का मतलब क्या है एक्स वन वाई वन जिसकी वैल्यू हमें गिवन है जीरो कॉमा फाइव तो यहाँ पे पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स जीरो और वाई के प्लेस पे फाइव तो वाई तो यहाँ पे है ही नहीं तो एक्स के प्लेस पे आप जीरो पुट करोगे तो ये टर्म जीरो हो गई ये वाली टर्म जीरो हो गई और ये वाली टर्म भी जीरो हो गई बचा क्या माइनस टेन तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स माइनस टेन हमें निकालना क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्या होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल एक्स माइनस एक्स वन अब आपके पास एक्स वन वाई वन की वैल्यू भी गिवन है और स्लोप भी आपके पास आ चुका है तो पुट कर दो वैल्यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्व टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन तो एक्स वन की वैल्यू जीरो है वाई वन की वैल्यू आपके पास फाइव है और डी वाई वाई डी एक्स आप निकाल चुके हो विच इज माइनस टेन ठीक है तो क्या हो जाएगी इक्वेशन माइनस टेन एक्स प्लस फाइव इज इक्वस टू वाई इज इक्वस टू फाइव टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू फाइव ओके ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब नॉर्मल निकालने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स आप यहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे क्योंकि ये तो क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होती है इसका रेसिप्रोकल माइनस साइन के साथ ठीक है तो 1 dx, तो 10. तो अपॉन क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल वन अपॉन टेन ठीक है सो so, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सेम निकालेंगे स्टूडेंट्स हम विच इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल एक्स माइनस एक्स वन अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालते हैं हम माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकाल चुके हैं विच इज माइनस टेन और एक्स वन वाई वन की वैल्यू भी आपको गिवन है सब्सिट्यूट कर दो यहाँ पे टेन की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा टेन वाई माइनस फिफ्टी इज इक्वस टू एक्स रीअरेंज करके एक्स माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ओके नाउ मूव on टू द फिफ्थ पार्ट पार्ट नंबर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स which इज़ सेम as द पार्ट नंबर वन अब पार्ट नंबर फाइव में क्या डिफरेंट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर वन से लेकर फोर में आपको एक्स वन वाई वन की वैल्यू गिवन है लेकिन पार्ट नंबर फाइव में आपको एक्स वन वाई वन की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको डी वाई बा डी एक्स से निकालना होता है अब एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी गिवन एंड वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है दैट मीन्स पैरामीट्रिक फंक्शन सही है तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स और वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एंड साइन का डिफ्रेंशिएशन cot डी वाई बाय डी एक्स कैसे आ जाएगा डी वाई बाई डी टी डि एक्स बाय डी टी विच इज कॉस टी माइनस साइन टी कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट माइनस साइन के साथ आ जाएगा एट पॉइंट गिवन है दैट मीन्स एट टी गिवन है टी की वैल्यू क्या है पाए बाय फोर कॉट पाए फोर क्या होता है स्टूडेंट्स वन और माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया तो ये आ गई आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू विच इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन ठीक है अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन तो आपको एक्स वन और वाई वन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं तो फाइंड आउट करना जरूरी है लेट सपोज एक्स वन वाई वन बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व ठीक है t, और एक्स की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी और वाई की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी तो आप रिप्लेस कर सकते हो एक्स को विथ एक्स वन और वाई को रिप्लेस कर सकते हो विथ वाई वन ठीक है सो एक्स वन की वैल्यू आ चुकी है आपके पास कॉस टी और वाई वन आ चुका है साइन टी एट पॉइंट की वन है तो एक्स वन की वैल्यू एट पॉइंट क्या आ जाएगी कॉस पाए बाय फोर विच इज वन अपॉइंट अंडर रूट टू और यहाँ पर भी एट पॉइंट टी पर वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन पाए बाय साइन पाई बाय फोर विच इज़ वन अपॉन अंडर टू तो एक्स वन की वैल्यू आ चुकी है आपके पास वन अपॉन अंडर टू और वाई की वैल्यू वाई वन की वैल्यू भी आ चुकी है वन अपॉन अंडर टू ठीक है अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हो विच इज वाई माइनस वाई वन वाई वन की वैल्यू आ चुकी है माइनस वन अंडर टू और एक्स वन की भी वैल्यू क्या आ चुकी है वन अपॉइन अंडर टू तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा वाई माइनस वन अंडर रूट टू अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस की माइनस एक्स प्लस वन अपॉइंट अंडर रूट टू एक्स को यहाँ पे लेके आ गए एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू वन अपॉन अंडर रूट टू दोनों को ऐड करोगे टू अंडर रूट टू टू को आप लिख सकते हो अंडर रूट टू इन टू अंडर रूट टू एक अंडर रूट से एक अंडर रूट टू कैंसिल आउट हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रू टू आ गया ये क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है सो एक्स प्लस वाई इज टू अंडर रूट ये आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल एक्स माइनस एक्स वन अब एक्स वन वाई वन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज वन अपॉन अंडर रूट टू वन अपॉन अंडर रूट टू ठीक है 2, 2, अब यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट ठीक है tangent, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप निकाल चुके हो विच इज माइनस वन तो ये माइनस वन अपॉन माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन ठीक है सो वाई माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू एल एक्सप्रेशन को एक तरफ ले आओ कॉन्स्टेंट को एक तरफ यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा यू गेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ओके नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस सेवन विच इज फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू यू पैरल टू द लाइन टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इज इक्वस टू जीरो सो आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और ये भी मैंशन है कि लाइन क्या है पैरल टू द कर्व इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स हम ये थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि जब लाइन पैरल टू द कर्व होती है तो स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्व टू स्लोप ऑफ द लाइन होती है ठीक है जो स्लोप कर्व का होगा वही स्लोप किसका होगा लाइन का होगा वेन लाइन इज़ पैरल टू द कर्व अब आपको निकालना क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने विच इज़ वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन तो आपको एक्स वन वाई वन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी लेट सपोज एक्स वन वाई वन बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व इक्वेशन आपको गिवन है ये वाई इज इक्वल टू एक्स एक्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन तो एट पॉइंट पे इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स को रिप्लेस कर दोगे एक्स से और y को रिप्लेस कर दोगे से ठीक है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी गेट डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या, एक क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी एक सब्ट्रैक्ट टू एक्स माइनस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस टू ठीक है एट पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स वन वाई वन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स वन से मतलब टू एक्स वन माइनस टू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये क्या है इक्वेशन ऑफ द कर्व से आई है हमारी ये डी वाई बाई डी एक्स ठीक है अब इक्वेशन ऑफ लाइन भी आपको गिवन है तो यहाँ से भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो और क्लास इलेवंथ में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स जब आपके पास ऐसी लीनियर इक्वेशन गिवन है दो वेरिएबल में तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो वाइज इक्व टू एम एक्स प्लस सी से और एम क्या होता है स्लोप होता है तो मैंने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ना निकाल के इसको यहाँ से कंपेयर कर लिया लेकिन आप डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो वो भी सेम क्या आएगा टू के इक्वल आएगा देखो अब मैंने इसको कंपेयर करा एम की वैल्यू क्या आ गई टू एक्स और सी की वैल्यू क्या है नाइन बस हमें यहाँ पे एम की वैल्यू चाहिए एम क्या होता है डीवाई बाई डी एक्स तो देखो डी वाई बाई डी एक्स ये कर्व का आ चुका है और ये आ चुका है लाइन का अब लाइन पैरल है कर्व के इसका मतलब क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स इस डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होगा सो so, यहां से हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे बिकॉज लाइन पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन तो इसका मतलब क्या हुआ स्लोप ऑफ द कर्व या फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप बोल सकते हो किसके इक्वल होगा स्लोप ऑफ द लाइन के इक्वल होगा जब लाइंस क्या होती है पैरेलल होती है तो टू एक्स वन माइनस टू इज इक्व टू टू हो जाएगा यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी विच इज टू ठीक है अब ये जो एक्स वन की वैल्यू आपने फाइंड करी है ये किस में रखोगे इक्वेशन नंबर वन में पुट करोगे जो कि क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ से वाई वन की वैल्यू आ जाएगी अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है एक तो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो देखो डायग्राम कैसे होता है स्टूडेंट्स ये कर्व है और ये टेंजेंट की लाइन है ये वाला पॉइंट होता है जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट मीट करती है तो देखो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये यह आती है प्रॉब्लम कि आप इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करोगे एक्स वन की वैल्यू या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करोगे तो एक हमने आई थिंक नाइन्थ क्वेश्चन था जहाँ पे हमने मिली थी हमें एक्स वन की दो वैल्यूज तो हमने वो कर्व में भी पुट करी थी और लाइन में भी पुट करी थी तो जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ रही थी तो हमने वो वाला पॉइंट लिया था लेकिन यहाँ पे केस क्या है एक्स वन की एक ही वैल्यू यहाँ पे गिवन है जो कि हमने फाइंड आउट करी है तो ये वाली जो एक्स वन की वैल्यू है वो आप किस में पुट करोगे इस कर्व की इक्वेशन में पुट करोगे ठीक है अब कर्व की इक्वेशन आपके पास गिवन है वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस सेवन एट एक्स वन वाई वन पॉइंट पर ठीक है तो यहाँ पे आप एक्स वन की वैल्यू पुट करोगे यू गेट द वैल्यू ऑफ वाई वन विच इज सेवन तो आपके पास पॉइंट आ चुके हैं टू कॉमर सेवन ओके और स्लोप हम निकाल चुके हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर टू से वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके कि वो क्या है टू अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वस टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन x1 वन के यहाँ पे टू y1 वन के यहाँ पे सेवन तो पुट करोगे यहाँ पे और स्लोप भी गिवन है टू तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई माइनस सेवन इज इक्वस टू टू एक्स माइनस टू इसको सॉल्व करोगे रीअरेंज करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वस टू जीरो विच इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ओके ना मूव ऑन टू द बी पार्ट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू थर्टीन क्या गिवन है स्टूडेंट्स आपको कि जो टेंजेंट लाइन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ओके okay. और आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ़ द टेंजेंट अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन एक्स माइनस एक्स वन तो आपको एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ठीक है अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालोगे सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर तो एक बार फिगर के थ्रू देख लेते हैं दिस इज द कर्व एंड दिस इज द टेंजेंट लाइन जो कि कर्व को यहाँ पे मीट कर रही है अब क्या गिवन है जो टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर तो या अगर आपको ऐसे गिवन है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन पे तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस पे ठीक है अगर आप मान लो ये है ए बी ये है सी डी अगर आपको गिवन है कि ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर ठीक है तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है जो टेंजेंट लाइन है वो क्या है परपेंडिकुलर है इस लाइन पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन भी परपेंडिकुलर हुई टेंजेंट पर ठीक है तो आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो स्टूडेंट्स अगर आपको निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट से पहले अगर आप निकालो स्लोप ऑफ दिस लाइन तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों का रिलेशन क्या होता है दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन के इक्वल होता है ये हमें पता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो स्लोप ऑफ दिस लाइन तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा या तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकाल सकते हो या फिर y इज़ इक्ल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल सकते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स प्लस थर्टीन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री एक्स प्लस थर्टीन अपॉन वाई फाइव आप इसको कंपेयर करोगे y इज़ इक्व टू एम एक्स प्लस सी से तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स थ्री और m क्या होता है स्लोप ऑफ इक्वेशन स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन तो स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज़ थ्री अगर इस लाइन का स्लोप थ्री आ चुका है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आपके पास इसका स्लोप पता है आपको थ्री तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस साइन के साथ ठीक है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी निकल जाएगा तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स वन और वाई वन की वैल्यू अब ठीक है स्लोप आ चुका है अब अब एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स की स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द लाइन विच इज इक्वल्स टू माइनस वन ठीक है स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं विच इज टू एक्स वन माइनस टू ठीक है स्लोप ऑफ द लाइन अभी हमने निकाली थी विच इज़ थ्री तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा माइनस वन के इक्वल तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ फाइव बाई सिक्स अब एक्स वन की वैल्यू आ चुकी है तो आप निकालोगे वाई वन की वैल्यू अब वाई वन की इक्वेशन आपको गिवन है तो यहाँ से वाई वन की वैल्यू भी निकल सकती है जब आप पुट करोगे एक्स वन की वैल्यू तो वाई वन भी आपके पास आ गया और एक्स वन भी आपके पास आ गया पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है विच इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन लेकिन आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं पता था लेकिन स्लोप ऑफ द लाइन पता था स्लोप ऑफ द लाइन जो कि क्या आया था थ्री आया था और ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर थी टेंजेंट पर तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल माइनस साइन के साथ ठीक है तो थ्री का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री और माइनस साइन आ जाएगा और एक्स वन वाई वन की वैल्यू आपको पता है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं फाइव बाई सिक्स एंड टू हंड्रेड एंड सेवनटीन थर्टी सिक्स बस आपको इसको सॉल्व करना एंड यू गेट ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स वाई माइनस टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन इज टू जीरो That is the equation of the tangent. That is your required answer, students. Now move on to the question number 16 Show that the tangents to the curve y is equals to seven x cube plus eleven at the points where x is equals to 2 and x is equals to minus two are parallel. तो so students आपको curve की equation दी हुई है और आपको ये show करना है कि ये क्या है parallel है at point two पर और minus two पर. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको differentiate करेंगे with respect to x तो so हमें slope मिल जाएगा. अब स्लोप की वैल्यू एट पॉइंट टू और माइनस टू पर चेक करनी है अगर दोनों सेम आती है दैट मीन्स हम ये शो कर चुके हैं कि के क्या होगी पैरल होगी तो डिफरेंशिएट दैन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेवन थ्री जेड ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर इलेवन कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन ओके सेम यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन यही आएगा इसी का तो हम चेक करेंगे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू टू पर एंड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर तो पुट करते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू टू पुट करेंगे तो टू स्क्वायर फोर कि मल्टीप्लाई करेंगे 21 से 84 मिलेगा ठीक है ऐड पॉइंट 2 ऐसे सेम -2 पुट करेंगे तो minus -2 का होल स्क्वायर क्या होगा अगेन 4 हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 2 से 21 से करोगे यू गेट 84 तो देखो 2 रखने पर भी और minus -2 रखने पर भी हमें जो स्लोप की वैल्यू है वो दोनों सेम मिल रही है इसका मतलब क्या हुआ हैंस टेंजेंट्स आर पैरेलल हैंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17 फाइन points ऑन द curve वाई इज इक्व टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट अब क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल गिवन है वाई कोऑर्डिनेट के आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट्स तो पॉइंट्स को सपोज कर लेते हैं एक्स वन वाई वन विद द पॉइंट ऑन द कर्व इक्वेशन क्या है वाई इज इक्वस टू एक्स क्यूब एट पॉइंट पर क्या हो जाएगी इक्वेशन वाई वन इज इक्वस टू एक्स वन क्यूब ठीक है एट पॉइंट मतलब एक्स वन वाई वन पे इक्वेशन हो जाएगी वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन क्यूब अब इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट थ्री एक्स स्क्वायेयर एट पॉइंट पर क्या होगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थ्री एक्स वन स्क्वायर ओके अब क्यों बने स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई को तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज y1. वन दैट मीन्स थ्री एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वन और वाई वन की वैल्यू क्या है एक्स वन क्यूब तो पुट कर दोगे यहाँ पे एक्स वन क्यूब इन प्लेस ऑफ वाई वन अब स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट मत करना इसको कभी भी देखो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे थ्री इसका मतलब क्या है इसके तीन रूट आएंगे अब वो तीन रूट कौन कौन से हो सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मतलब या तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो तो कॉमन क्या आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री विच इज़ इक्व टू जीरो अब देखो एक्स वन स्क्वायर इज इक्व टू जीरो के इक्वल आ चुका है और एक एक्स इज इक्वल टू थ्री के इक्वल आ चुका है लेकिन आपने बोला था कि मैम हाइस्ट पावर्स की थ्री है तो थ्री रूट्स होंगे अब देखो एक्स वन स्क्वायर इज़ इक्वल टू जीरो मतलब इसके कितने रूट्स होंगे दो रूट्स होंगे विच इज़ जीरो कॉमा जीरो तो हम एक ही रूट ले लेते ले हैं यहाँ पे एक्स वन इज इक्वल टू जीरो एंड यहाँ पे एक्स वन इज इक्वल टू थ्री अब आपके पास आ चुकी है एक्स वन की वैल्यू तो आपको क्या निकालनी है वाई वन की वैल्यू इफ एक्स वन इज़ इक्वस टू जीरो तो वाई वन क्या जाएगा जीरो किस में पुट करेंगे आप ये वैल्यू एक्स वन की गिवन इक्वेशन में जो कि क्या थी वाई वन इज़ इक्वस टू एक्स वन क्यूब इफ एक्स वन इज इक्वस टू थ्री तो वाई वन क्या जाएगा ट्वेंटी सेवन तो आपके पास पॉइंट्स आ गए जीरो जीरो एंड थ्री ट्वेंटी सिक्स That is your required answer, students. So, if you guys enjoyed this session, then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. And hit the bell icon also so that you get the notification of my new videos. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.